हे भगवान, ये क्या आप सगुन हो गया। धनु राशि वाले जातक 11 जुलाई से 17 जुलाई। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ये सप्ताह नया परिवर्तन बदलाव लेकर आ रहा है। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करने वाले हैं धनुराशि वाले जातकों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 11 जुलाई से 17 जुलाई 7 दिन बेहद खास है। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। कौन कौन सी अच्छी घटनाएं, कौन कौन सी बुरी घटनाएं इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगी, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कैसे रहेंगे ये 7 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों ये 7 दिन जो है आपके लिए मनचाहा फल देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपको कदम कदम पर किस्मत का साथ मिलेगा। यदि आप लंबे समय से किसी काम योजना पर काम कर रहे थे तो उसमें सप्ताह आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अशुभ संकेत मिल सकते हैं सप्ताह, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, खासकर वैसे मुद्दे पर जो लंबे समय से लंबित थे। यानी कि अगर कोई खानदानी विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद चल रहा था और वो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी थी तो उसको प्रति सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, रिजल्ट आने वाला है। इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। आपका एक गलत कदम आपके अच्छे परिणामों को बुरे परिणामों में बदल देगा, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह की शुरुआत में कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकती है। इस दौरान आप अपने करियर और कारोबार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको नए परिणाम भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बेहतर अवसर और आय के अतिरिक्त साधन भी प्राप्त होंगे। हालांकि रोजी रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले से की गई यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी, लाभकारी साबित होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना जो है वो पूरी हो सकती है। सप्ताह इसमें शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपने सोचा भी नहीं था कभी कि वो आपसे दोबारा मिलेगा या फिर आपसे उनकी मुलाकात होगी, ऐसा इस सप्ताह होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। दोस्तों यदि आप अब तक सिंगल हैं तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा आपका। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, यानी कि कन्याओं के, लड़कियों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उसके साथ ही मित्रता जो हो सकती है प्रेम संबंध में बदल सकती है मित्रता। इस सप्ताह कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, सेहत सामान्य रहेगा और परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर भी आपको इस सप्ताह मिलेंगे। दोस्तों ये जो सप्ताह है आपके लिए प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है ताकि कोई भी विघ्न बाधा अगर आए तो बजरंग बली उसे दूर कर दें। कुछ जातकों को इस सप्ताह उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में जो होगा नौकरी पेशा जो लोग हैं उन पर अचानक से अनचाही जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, बढ़ सकती हैं या फिर काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान घर परिवार के सदस्यों का जो है सहयोग कम मिल पाएगा, जिससे मन थोड़ा व्यतीत रहेगा, मन परेशान रहेगा। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान घर हो या किसी कार्यक्षेत्र छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर के बीच असमंजस से बिठाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों बिजनेस में है जो कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि इस स्थिति में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे आप।
इस दौरान किसी योजना या सट्टा लॉटरी आदि में सोच समझ कर धन निवेश करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए सेहत का ख्याल आपको रखना है। विशेष रूप से खान पान पर विशेष ध्यान दें। प्रेम संबंध की बात करें तो सामान्य रहेगा, खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन से जुड़े कठिन समय में पिता की तरफ से पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह जो है आप मौसमी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए इसके प्रति भी थोड़ा सा सावधान रहें, सचेत रहें। दोस्तों, ये जो सप्ताह है जीवन में प्रगति के अवसर लेकर भी आएगा, यानी कि नए अवसर भी आपको लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको रोजी रोजगार को आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। किसी इष्ट मित्र या किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ लाभकारी योजना बनाने के साथ जो है जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आप इस संबंध में उचित निर्णय लेने को लेकर थोड़ा असमंजस्य में रहेंगे। घर की मरम्मत या साज सज्जा में जेब से अधिक खर्च हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपको पैसे की किल्लत दे सकती है। यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे तो ऐसा करते समय सोच समझ कर उसमें धन निवेश करें। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का साथ मिलेगा और जूनियर को सहयोग करना चाहिए आपको। आपके जो जूनियर है कार्य क्षेत्र में आपसे जो सीख रहे हैं उनको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि आपके जो विरोधी हैं उससे सचेत रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा वे आपके काम में अड़ंगा डाल सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंकाएं हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। यदि आप किसी के सामने प्रपोज करने की सोच रहे थे, यानी कि शुरू में ही बोला अगर प्रपोज करने की सोच रहे थे तो अगर ऐसा आप करते हैं तो बात बन जाएगी। उस लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है उन जातकों के लिए। अगर वही पहले से प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ और आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का मौका भी आपको इस सप्ताह मिलेगा। सेहत को लेकर सावधान रहें, थोड़ा सा सचेत रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर से उभर कर आपको परेशान कर सकती है। इसका उपाय है कि प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर श्री गणेश सहस्त्रनाम या फिर गणेश चालीसा का पाठ करें, इससे ये समस्या से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, इस सप्ताह जो है पास के फायदे में दूर का नुकसान आप ना करें, इससे बचें। करियर कारोबार को लेकर सोच समझ कर निर्णय आपको लेना चाहिए। करियर को लेकर कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो 10 बार सोच लीजिए। कार्य क्षेत्र में किसी काम की में जो है लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। दोस्तों, वही कारोबारियों को व्यवसाय के सिलसिले से ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। बाजार में फंसा पैसा उनकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। घर परिवार से जुड़े किसी मसले को हल करते समय अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। प्रयास करें कि परिवार में सदस्यों के साथ होने मतभेद जो है मनभेद में न बदले, यानी कि मतभेद जो है वो मनभेद में ना बदले, इसका विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक कामों में रुचि बढ़ सकती है, जुड़ाव होगा। इस दौरान आप अपने सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक दिखाई देंगे। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में गुजरने वाला है। प्रेमी संबंध की बेहतर बनाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में जैसे कि मैंने बोला मधुरता रहेगी। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो प्रतिदिन शिवालय जाकर यानी कि शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध और शुद्ध जल चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करिए। वैवाहिक विवाह से संबंधित कोई भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। किसी के साथ नए संबंध बनाते समय पुराने संबंधों की अपेक्षा करने से बचें, यानी कि आपके पुराने संबंध कैसे थे किसी के प्रति वो इसमें ना ढूंढें, नया है नए संबंध बनाएं। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है
कि बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। अगर आप अपनी किस्मत से नाराज़ हैं, थक चुके हैं जीवन से, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बंद घड़ी है अगर, वो भी एक बार 24 घंटे में सही टाइम जरूर बताती है। इसलिए आपका भी बुरा वक्त अभी चल रहा है, पर सही वक्त बहुत चल जाएगा। अगर जीवन से परेशान हैं, थक चुके हैं, नाराज़ हैं, तो परेशान मत होइए। साथ ही साथ इस बात को पार्टनरशिप में, जो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप का विशेष ख्याल रखें, अपने पार्टनर से नोकझोंक झगड़ा ना करें। इस सप्ताह किसी योजना अथवा शेयर बाजार में धन निवेश करने से पहले विशेष शुभचिंतक की सलाह अवश्य ले लें, पैसा डूब सकता है, इसलिए 10 बार सोच समझ कर ही कहीं आपको निवेश करना चाहिए। जीवन के किसी भी चुनौती भरे समय में जीवनसाथी के साथ खड़े रहने पर आप काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। आज का उपाय की बात करते हैं, इस सप्ताह आपको क्या उपाय करना है। अभी बीच बीच में मैंने उपाय कुछ बताए थे आपको, वो तो करने ही है। उपाय जो है इस सप्ताह आपको करना है, वो तो बीच बीच में मैंने बहुत सारे उपाय, 2-3 उपाय बताए, वो तो करने ही है। साथ ही साथ आप और भी उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन उगते सूरज देवता को तांबे के लोटे से जल देकर आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करिए, इससे आपके मन में शांति रहेगी, एक नया तेज, एक नई ऊर्जा आपके अंदर देखने को मिलेगी, और जो भी काम के लिए आप जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ गणेश जी की उपासना करिए, गणपति अथर्व शीर्ष पाठ कर सकते हैं या गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, उपाय मैंने पहले भी आपको बताया था। तो दोस्तों ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, इस सप्ताह अच्छे रहेंगे आपके लिए। साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये था आपका सप्ताह कैसा रहेगा। वीडियो अंत तक आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके आपने हमारे वीडियो अंत तक देखी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।